सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। और क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे इंटरव्यू के लिहाज से या फिर हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर हम बात करें उसके लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर हमसे पूछा जाता है कि हम जो लोड है हमारा उसको हम अक्सर लाइन और न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट करते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम अपने लोड को लाइन और अर्थ के बीच में कनेक्ट करें। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा लोड होता है उसको हम अक्सर क्या काम करते हैं, हम अपने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए, ऐसे कि आपको दिखेगा कि हमने ये लोड जो है यहाँ पे ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर रखा है, ये हमारा जो है ये हमारा सब स्टेशन है। ओके, अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक सब स्टेशन है जहाँ से कि एक ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो कि हमारी स्टार में होती है। हमको सबको पता है कि जो हमारा सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसकी सेकेंडरी हमारी जो होती है वो सेकेंडरी कॉइल जो होती है हमारी ये स्टार में होती है जिससे कि हमको न्यूट्रल मिलता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं जो हमारा ये हमारे जो घर है, घर का ये हमारा मेन एमसीबी बॉक्स है। ठीक है, जो हमारे घरों का जो मेन एमसीबी बॉक्स है वो ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये एक फेज और एक न्यूट्रल आया, एक फेज और एक न्यूट्रल आने के बाद जो हमारा एमसीबी बॉक्स है वहाँ पर हमने एक आरसीसीबी लगाया। आरसीसीबी या ईएलसीबी दोनों का मतलब एक ही है। आरसीसीबी जो है हमारा ये एक सर्किट ब्रेकर होता है, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर मीन्स आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आगे आपको पता लग जाएगा कि जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है ये क्या काम करता है। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। और उसके बाद हमने इस जो हमारा आरसीसीबी है, आरसीसीबी के आउटपुट को हमने अपने एमसीबी में दिया, जो कि हम एमसीबी से अपने लोड को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमने ये लोड कनेक्ट किया। अक्सर जो हमारे घरों के कनेक्शन होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, लेकिन अगर हम कनेक्शन कुछ इस तरीके से करें, देखिए हमारा न्यूट्रल है जो कि हमने यहाँ से जो हमारा स्टार वाइंडिंग है, स्टार वाइंडिंग के बीच से हमने यहाँ से न्यूट्रल लिया। अब मान लेते हैं हम इसको न्यूट्रल यहाँ से नहीं लेते हैं, हम अपने लोड को क्या काम करते हैं, हम लाइन से ले लिया हमने, यानी कि जो हमारा एक फेस है फेस पे कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो हमने अर्थ पे कनेक्ट कर दिया। और हम सब जानते हैं कि सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी होती है हम उसको हमेशा अर्थ करके रखते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे कि लोड हमने अर्थ में लगा दिया, तो अब इसका होगा क्या, इसका मतलब कि ये हम क्यों नहीं करते। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इंटरव्यू में अक्सर हमसे पूछा जाता है कि जो हम अपने लोड को लाइन और न्यूट्रल के बीच में लगाते हैं तो हमारा लोड काम करता है। ठीक है, हमारा लोड जो है हम अक्सर जो कनेक्शन करते हैं वो हम कुछ इस तरीके के कनेक्शन करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ इस तरीके से अगर कनेक्शन करें, देखिए अगर हम इस तरीके से अगर हम कनेक्शन करते हैं तो भी हमारा जो इक्विपमेंट है वो चलेगा, वो बिल्कुल स्मूथली चलेगा। क्योंकि अगर आप अपने घर में, अगर आपके घर में अगर प्रॉपर अर्थिंग है, अगर आप लाइन और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज मेजर करेंगे तो उससे थोड़ी सी फालतू, यानी कि 4 या 5 वोल्ट या 10 वोल्ट के आसपास फालतू होती है हमारी फेस और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज। ठीक है, तो जो हमारे लोड की अगर हम बात करें तो लोड हमारा चलता है, लेकिन अगर हम देखिए यहाँ पे जो हमने आरसीसीबी लगा रखी है, आरसीसीबी लगाने का हमारा मेन पर्पज़ होता है कि जितना एम्पियर करंट, यानी कि जितना करंट हमारा जो हमारा फेस वायर है फेस वायर से आ रहा है उतना ही करंट हमारा न्यूट्रल वायर से बैक जाना चाहिए, यानी कि जो हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ से हमारा 5 एम्पियर करंट आया, तो 5 एम्पियर करंट हमारे लोड से होते हुए आरसीसीबी के न्यूट्रल वाले वायर से वापस जाना चाहिए। अगर ये जो इसका मतलब जितना करंट हमारा फेस से आ रहा है अगर उतना ही करंट हमारा न्यूट्रल से जा रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो आरसीसीबी है वो
प्रॉपर वर्क करेगी। हमारी आरसीसीबी ट्रिप कब होगी? हमारी आरसीसीबी जो है, हमको अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है हमारा, ये हमें प्रोटेक्ट कब करता है? जब फेस वायर और न्यूट्रल वायर इन दोनों के बीच का अगर करंट डिफरेंस अगर ज़्यादा हो जाता है, करंट डिफरेंस अगर हो जाता है, तो हमारी आरसीसीबी जो है वो ट्रिप कर जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए जो ये लोड है हमारा, लोड में या फिर कहीं पर भी, यानी कि आरसीसीबी के बाद कहीं पर भी अगर हमारा वायर बॉडी अर्थ हो जाता है, या फिर कुछ भी कहीं भी, या फिर किसी भी हमको शॉक लग जाता है हमारे लोड लोड से, तो क्या होता है कि जो करंट है वो करंट हमारी बॉडी से होते हुए या फिर हमारे लोड की बॉडी से होते हुए अर्थ हो जाता है, जिससे कि हमारा जो करंट है वो ग्राउंड होना चालू हो जाता है। और जो यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रही है, तो प्रॉपर 5 एम्पियर करंट न्यूट्रल के रास्ते वापस नहीं जा पाती है, तो जिसकी वजह से फेस वायर और न्यूट्रल वायर में करंट का डिफरेंस हो जाता है और हमारी जो आरसीसीबी है वो ट्रिप हो जाती है और हमारे आगे के सर्किट को प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो आगे कोई हमारा लोड लगा हो या फिर हमारी कोई ह्यूमन बॉडी हो, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर देखिए, अगर हमने आरसीसीबी लगा रखा है और हम गलती से या फिर जानबूझ करके भी अगर हम अपने लोड को फेस और न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो आरसीसीबी है वो तुरंत ट्रिप हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ से आरसीसीबी को ऑन करेंगे और एमसीबी को जैसे ही ऑन करेंगे, वैसे ही हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। क्योंकि अब आरसीसीबी ट्रिप होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा हमने आरसीसीबी और फेस इन दोनों के, मतलब इसमें फेस और न्यूट्रल को कनेक्ट कर रखा है आरसीसीबी से, क्योंकि अब हमारा आरसीसीबी जो प्रॉपर वर्क कब करेगा, जब हमारा फेस से करंट होता हुआ और न्यूट्रल से बैक जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या काम कर रखा है, फेस और ग्राउंड के बीच में सर्किट को बना रखा है, तो हमारा न्यूट्रल के बीच से हमारा करंट वापस नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमारा जो आरसीसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा। लेकिन अगर हम आरसीसीबी को फेस वायर और जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के अगर बीच में लगाएंगे, तो भी हमारा आरसीसीबी प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, आरसीसीबी हो सकता है आपके घर में ना लगा हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ये हमें लगानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो अप्लाइंसेस होते हैं उनको तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ में ह्यूमन बॉडी यानी कि हमें भी प्रोटेक्ट करता है। अगर हमें भी किसी मतलब कि वायर में अगर हमें कोई शॉक लग जाता है, तो उस केस में भी आरसीसीबी हमारी ट्रिप हो जाती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है गाइज, तो यही इसका मेन डिफरेंस है कि हम अर्थ से अपना जो हमारा लोड है उसको कनेक्ट नहीं करते। अर्थ से कनेक्ट करने से क्या होता है, अर्थ से हमें जो सेफ्टी है वो सेफ्टी नहीं मिल पाती है अर्थ से कनेक्ट करने पे, ना तो हमारे अप्लायंसेस को सेफ्टी मिल पाती है और ना ही ह्यूमन बॉडी को जो सेफ्टी है वो मिल पाती है। क्योंकि अगर हम अर्थ से ही अपने लोड को कनेक्ट कर देंगे, तो अगर मान लीजिए अगर बॉडी में अगर कोई मान लीजिए फेस वायर अगर हमारी बॉडी में कनेक्ट हो जाती है, तो हमारे अप्लायंसेस में करंट आने लगेगा, तो अप्लायंसेस में करंट आने की वजह से हमें भी शॉक लग सकता है। तो हमें भी अगर शॉक लगेगा तो हम बिल्कुल मतलब एक प्रोटेक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें शॉक लग सकता है, जो कि बहुत ही डेंजर हो सकता है। तो इसके लिए हम जो हमारा आरसीसीबी हम यूज करते हैं, और आरसीसीबी यूज करने के साथ साथ हम अपना जो हमारा लोड है उसको हम हमेशा न्यूट्रल के साथ ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई लीकेज करंट अगर कहीं पे हो तो वो ग्राउंड हो जाए और हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो जाए। आरसीसीबी ट्रिप होते ही क्या होगा, हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके गाइज, तो ये कारण था हमारा जो कि हम अर्थ और लाइन वायर के बीच में लोड को कनेक्ट नहीं करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर रिप्लाई ना भी कर पाए, तो हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स शेयर और कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे ऑन करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप उसे ऑन नहीं करेंगे तो YouTube आपको हमारी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। ओके, तो आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।